हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर, बेंगलुरु के एक कमांड अस्पताल में होंगे शिफ्ट। हादसे से चंद सेकंड पहले का वीडियो आया सामने, ब्लैक बॉक्स भी मिला। सीडीएस विपिन रावत समेत 13 अधिकारियों के निधन पर रक्षा मंत्री का बयान, जाहिर किया शोक। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार दूसरे दिन ईडी के समक्ष पेश हुई एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस। भारत में पूरी तरह वैक्सीनेटेड हुई 18 से अधिक उम्र की 52.5% आबादी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं में होड़ मच गई है। इसी कड़ी में फतेहपुर के हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दावेदार शिवाकांत तिवारी ने जनसंपर्क यात्रा की। इस दौरान युवा कांग्रेस नेता गांव में नहीं जाकर खेतों में काम कर रहे मजदूरों और किसानों से संपर्क कर रहे हैं। इस जनसंपर्क के दौरान कांग्रेस की उपलब्धियों और होने वाले चुनावों के लिए किए गए वादों पर चर्चा की गई। आगरा के पिनाहट बवाल मामले में पूर्व मंत्री अरिंदम सिंह समेत 146 नामजद समर्थकों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान के समर्थक और पीड़ित भोला राम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। बाइक रैली के दौरान पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। करीब एक घंटे तक हालात बेकाबू बने रहे और पुलिस भी इस मामले पर मूक दर्शक बनी रही। अब इस मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने दर्ज करवाई है शिकायत। ये मामला आगरा से सामने आ रहा है। पूर्व मंत्री अरिंदमन सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो धारा 146, पूर्व मंत्री अरिंदमन सिंह समेत 146 नामजद समर्थकों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव चौहान के समर्थक और पीड़ित भोला राम की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है आगरा से। ममता, क्या है पूरा मामला, किस वजह से ये केस दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह पूर्व मंत्री के ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, तो ये आगरा के थाना बाहर पिनाट क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर बीजेपी के ही दोनों पक्ष, दोनों समर्थक थे। जहां बाइक रैली पूर्व मंत्री अर्धमन सिंह के द्वारा निकाली जा रही थी, वहीं जो पूर्व जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनके और पूर्व मंत्री अर्धमन सिंह के दोनों के समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों में काफी समय से वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ये झगड़ा जारी है। और ये वर्चस्व को लेकर के ही ये जो अर्धमन सिंह के, राजा अर्धमन सिंह के जो समर्थक है, उन्होंने हूटर बजा दिया था और हूटर को लेकर के उन्होंने इस झगड़ा को शुरुआत कर दी। जी जी ममता, कितने लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है? जी बिल्कुल शिखा, आपको बता दूं कि यहाँ 146 लोगों पर नाम दर्ज और 200 लोगों के अज्ञात मुकदमा दर्ज किया गया है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। फरुखाबाद के शहर कोतवाली के धर्म नगरिया मसीनी में युवक को प्रधानमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी करना भारी पड़ गया। तमिलनाडु में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में युवक ने पीएम पर टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल होते ही हिंदूवादी संगठनों ने भारी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में युवक को गिरफ्तार कर लिया। फरुखाबाद से ये खबर सामने आ रही है, जब पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना एक युवक को भारी पड़ गया, जिसका वीडियो सामने आने के बाद वायरल हो गया और वायरल वीडियो के आधार पर युवक को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु में सीडीएस विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश मामले पर युवक ने पीएम पर टिप्पणी की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ। हिंदूवादी संगठनों में इस खबर को देखकर भारी आक्रोश भी देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस ने आनन फानन में युवक को गिरफ्तार कर लिया।
और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सुंदरम जुड़ चुके हैं फरुखाबाद से। सुंदरम, क्या है पूरा मामला, किस तरह की टिप्पणी की गई थी पीएम पर? जी, मामला ये धर्मनगरीय मसेनी शहर कोतवाली फरुखाबाद का निवासी पारू शाह युवक है। पूर्व में भी विवादित टिप्पणियां कर चुका था और इसके द्वारा सीडीएस बिपिन रावत जी का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हुए एक विवादित टिप्पणी की गई थी, जिसमें कहा गया था चुनाव आते ही सैनिकों की शहादत होने लगती है, ये एक साजिश रहती है, और इसने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगाए थे और इसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की थी। जब यह सूचना इसकी पोस्ट के द्वारा हिंदूवादी संगठनों को मिली तो उनमें भारी आक्रोश आया और पुलिस ने आनन फानन में इसको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की है। जी सुंदरम, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया इस युवक पर? इसके विरुद्ध आईटी एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और एवं एक और जानकारी जो है, इस युवक के द्वारा किसी प्रकार का खेद नहीं प्रकट किया गया है और एक वक्तव्य भी दिया गया है कि मैं जब भी जेल से छूट के आऊंगा फिर भी मैं इसी तरीके की टिप्पणियां करता रहूंगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ फरुखाबाद से संवाददाता सुंदरम जुड़े थे। संभल के मुरादाबाद मार्ग पर तुर्की कोल्ड स्टोरेज के पास बेखौफ बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में लूट की घटना को अंजाम दिया। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने स्कूटी सवार की आंखों में मिर्ची डालकर लूट की। बदमाशों ने स्कूटी समेत स्कूटी में रखी 2.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, जबकि मौके पर पहुंचे एसपी समेत अधिकारियों ने घटना की जानकारी दी। आपका? मेरा नाम मोहम्मद सालिम है। क्या घटना हुई है? घटना सर, वो फैक्ट्री, घर से फैक्ट्री के लिए निकला, रास्ते में यहाँ पर तुर्की कोल्ड स्टोर के पास में तीन मोटरसाइकिल पे मोटरसाइकिल सवार आए, एक हेलमेट लगा हुआ था, दो डाटे लगे हुए थे, सबसे पीछे वाले ने उसकी आँख में मिर्ची डाल दी। किसके? छोटे भाई की, मेरे फैद की। फैद की, कहाँ जा रहे थे वो? वो अलफला फ्रोजन फूड्स, वहाँ पर काम कर रहा है वो। फिर क्या हुआ? और उससे वो मिर्ची डालने के बाद में वो मोटरसाइकिल ने बाइक रोकी, स्कूटी अपनी, और उससे स्कूटी छीन के वो भाग गए। बोले उसे धमकी दे रहे थे, बोले तेरे पास क्या है, क्या लेके जा रहा तू? बोले एक दूसरा बोला, बोले इसके फायर मारो, तो वो घबरा के बीएस धर्म घाटी की तरफ गया। वो वहाँ पर जाके मुँह धोया, फिर उसने हमें कॉल वॉल करी, फ़ोन करी, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर। क्या ले गए वो मौसम से? वो स्कूटी, स्कूटी में 2.5 लाख रुपये रखे हुए थे। ये थाना संभल में, संभल मुरादाबाद रोड पर एक लड़का जो स्कूटी से जा रहा था, उसको पीछे से दो लड़कों ने ओवरटेक किया और उसके ऊपर लाल मिर्च का पाउडर फेंका और उसकी स्कूटी लेकर भाग गए। उसके द्वारा, लड़के के द्वारा, पीड़ित के द्वारा बताया गया है कि उसकी स्कूटी में 2.5 लाख रुपए थे। तो इसमें हम लोगों ने सर्विलांस और एसओजी की टीम को लगाया हुआ है, जल्दी इसमें जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर आवश्यक कार्रवाई। रायबरेली के मिल एरिया थाने के बांबे आवास चक धौराहरा में बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए रात्रि गश्त की पोल खोल के रख दी है, जहां एक ही रात में तीन घरों का ताला तोड़कर नकदी और जेवरों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भाई, क्या नाम है आपका? राम अभिलाष यादव। क्या हुआ आपके यहाँ? मेरे घर में ताला तोड़ के चोरी हुई है। क्या क्या चोरी हुआ आपके यहाँ? चोरी 20 से 25 हज़ार का जेवर गया है और 18 हज़ार रुपये नकदी गया है। कहाँ पे घर है आपको? चक धौरारा बॉम्बे आवास कॉलोनी। कितने घरों में चोरी हुई है? तीन घरों में। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, जिस तरह से चोरों ने तीन घरों में एक साथ चोरी की है, चोरी की घटना को अंजाम दिया, बेखौफ नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। रायबरेली जैसे ही जाड़ा शुरू हुआ है, चोरों की पौ बारा है, कहीं ना कहीं रात्रि गश्त की लापरवाही से इन चोरों के हौसले बुलंद है और एक साथ ये थाना मिल एरिया क्षेत्र के अंतर्गत से ढोलारा पड़ता है, वहां के तीन घरों में चोरी करके कम से कम नकदी जेवर सहित बड़ा नुकसान किया है। वहां पे लोग जो काफी आक्रोश है पुलिस के प्रति। जी ओम शंकर, जो तीनों घरों में ये चोरी हुई है तो वहां पे क्या लोग नहीं थे, बंद घरों में चोरी हुई या फिर लोग भी मौजूद थे? नहीं, एक लोग गए थे निमंत्रण में, लेकिन और लोग थे वो सो रहे थे, और जब सुबह उनकी आंख खुली है तो पता लगा कि उनके घर का पूरा सामान लूट चुका है। जी, चोरों ने तीनों घरों में कुल कितने की चोरी की है?
जो तीनों घरों को मिला अगर मिला दिया जाए तो 1.5 लाख से ऊपर की चोरी हुई है। हम आपको बताते चले कि पुलिस जो है सिर्फ मिट्टी का खनन, कच्ची शराब और जो है गाड़ी के चालान में बिजी रहती है। पूरे जिले की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ना किसी घटना का खुलासा हो रहा है, सिर्फ वही जो है कागजी कार्रवाई चल रही है। जी, तो जब ये चोरी की घटना सामने आई तो अब पुलिस किस तरह से छानबीन कर रही है? पुलिस वही मुकदमा पंजीकृत करके जांच के आदेश दे दिए हैं। जो लटाया जवाब पहले था वो आज भी है। इनका यही जवाब कि अभियुक्त से गिरफ्तारी होगी, शीघ्र ही सलाखों के पीछे जाएंगे। देखिए काफी आक्रोश भी रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि रायबरेली की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं और अपराधी भी बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के कोहडौर थाना इलाके के लखीमपुर गांव के पास एक अनियंत्रित कार पेड़ से जा टकराई, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। प्रयागराज से तिलक समारोह से वापस घर जा रहे थे कार सवार, जबकि बस्ती के रहने वाले बताए जा रहे हैं मृतक। और लोग, तीन लोग का डेथ हो गया, दो लोग सीरियस इंजर्ड हैं जो रेफर्ड हो गए हैं पीजीआई के। ये जो है आपके कौन लगते थे जो मेरे? ये हमारे रिलेटिव हैं, हमारे ससुराल पक्ष के हैं। एक हमारी साली की बेटी है, एक हमारे वाइफ के मामा जी हैं और बाकी एक जो है तिलक के और लोग ड्राइवर हैं। आपको कितने बजे पता चला? जो 6:30 बजे पता चला। तो आप लोग? मैं लखनऊ में हाईकोर्ट में एडवोकेट हूँ और सीधे लखनऊ से यहाँ से ले आ रहा हूँ। क्या आपकी तरफ से कोई जो है जो एक्सीडेंट हुआ है ये ड्राइवर की मृत्यु हो जाए? ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है। गोरखपुर के महाराजगंज जनपद के चौकी वन प्रभाग के दक्षिणी चौक रेंज में बीती रात हिरण का शिकार करने वाले 8 लोगों को कारतूस और हिरण के मांस के साथ गिरफ्तार किया गया। मामले की छानबीन में वन विभाग की टीम जुटी हुई है। आरोपियों को वन अधिनियम की धारा में गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो वन विभाग अब कार्यवाही में जुट गया है। आपको बता दें कि ऐसे लोगों के हौसले बुलंद है। गोरखपुर के महाराजगंज जनपद के चौकी वन विभाग वन प्रभाग के दक्षिणी चौक रेंज से ये खबर सामने आई है, जहां बीती रात हिरण का शिकार करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से कारतूस और हिरण का मांस बरामद हुआ है। मामले की छानबीन में वन विभाग की टीम जुट गई है। आरोपियों को वन अधिनियम की धारा के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो हिरण का शिकार करते हुए 8 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, उन लोगों के पास से 8 लोगों के पास से कारतूस भी बरामद हुए और हिरण का मांस भी बरामद हुआ है। औरैया के बिधूना तहसील क्षेत्र के एक गांव में खेतों की झाड़ियों में ग्रामीणों ने अजगर सांप देखा, जिससे हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू की शुरुआत करके 3 मीटर लंबे और करीब 60 किलो का अजगर रेस्क्यू किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।